हाउ यू गोइंग एवरीवन, माय नेम इज स्मार्टी पाई। आज हम लोग खेलने वाले हैं इविल नन का एक और चैप्टर। सो बेसिकली मुझे इविल नन के उस नए अपडेट को खेलने की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, जिसके अंदर हमें उस बलून को लेके इसके स्कूल से उड़न छू जाना है। जी हाँ, मुझे पहले ही पता लग चुका है थैंक्स टू माय कमेंट्स। आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो कि भाई मुझे पहले ही सब कुछ पता चल जाता है। जी हाँ, सो बेसिकली उस लेवल तक पहुँचने के लिए मुझे चाहिए 6 मास्क पीस, जिसमें से 4 मैं अभी तक पहले ही इकट्ठे कर चुका हूँ, और आज हम लोग 5वें मास्क पीस को इकट्ठा करने वाले हैं। तो भाई शुरू करते बिना टाइम फोड़े। और यार मेरे को ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं आजकल कि भाई तू मुस्लिम है, तू पाकिस्तान से है। तो भाई मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ यार भाई मैं हूँ इंडिया से, और मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ। तो भाई मैं आप लोगों के जो, मुझे नहीं पता भाई आप लोगों को क्यों जानना है, लेकिन अगर आप लोगों को जानना है तो भाई मैं पहले इसको दूर करना चाहता हूँ, ठीक है। सो आई एम फ्रॉम शिमला, हिमाचल प्रदेश। ओके, आओ यार कभी मेरे शहर शिमला में। और ये क्या हुआ अभी एकदम से, मुझे समझ नहीं आया। तो मैं बोल रहा था कि आओ यार कभी शिमला में है, घुमाएंगे आप लोगों को। यार मुझे आप मैसेज कर सकते हो कभी भी, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा, शायद से यूट्यूब के अंदर अगर होता है तो ही, ठीक है। ऐसे मैं बहुत जल्द अपनी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों के सामने रिवील करने वाला हूँ, मेरा एग्जैक्ट नेम पूरा क्या है, सब कुछ हो जाएगा भाई टाइम के साथ। बट अभी फोकस करते हैं अपने इस लेवल पे। मैं चाहता हूँ फटाफट इस लेवल को कंप्लीट करना। ग्रेल मेरे हाथ में लग चुकी, अबे फैन आर्ट यहाँ से हट चुका है। पहले यहाँ पर शायद कुछ फैन आर्ट्स थे जितना मेरे को याद है, बट अब वो हटा चुकी है ये गेम के डेवलपर्स। अरे भाई साहब, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, बंद हो जा बंद हो जा बंद हो जा। अबे यार मैं थोड़ा सा रह गया था बस, मेरे को वो बंद करना था ना। इसने दरवाजे के आर पार ही मार दिया मेरे सर पे यार, अपना बैठ, कसम से क्या चीज़ है ये, मेरी फाड़ दी थी इसने, अभी फाड़ दी थी। अब मान के चलो मैं अपना जो मिशन स्टार्ट करूँगा ना वाला, है ना, तो यार मैं पहले ही मर चुका हूँ क्या इसके अंदर, मतलब मेरा डे 2 से स्टार्ट होगा वो। खप्पी होगी भाई ये तो, यहाँ पहुँच गया था मैं, देखो इसने एंड मौके पर मार ही दिया मेरे को, वुडन प्लैंक करना था बस नीचे मेरे को। सो देखेंगे क्या होता है। हमारी ग्रेल हमारी जगह पे लग चुकी है, और हमें मिशन कौन सा मिलेगा। रे देखो भाई मेरा पीछे मास्क पीस, 2 मास्क पीस चाहिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ। ऑल राइट, व्हाट इज दिस, द मिस्ट्री ऑफ सिमेट्री। ओ भाई साहब कब्र, हाँ मुझे पता है इसके बैकयार्ड में कब्र है, सेफ की। अब यार ये सेफ की है, ओके हमें सबसे पहले सेफ ढूंढनी है या फिर हमें उस मिट्री के पास जाना है। भाई जहाँ भी जाना हो हम लोग जाएंगे अभी। मैं सच बता रहा हूँ, मैं पहले इस लेवल को स्टार्ट करने से पहले मैं सोचा था कि मैं इस गेम को घोष मोड में खेलता हूँ, पर मैंने सोचा कि नहीं यार घोष मोड में मज़ा नहीं आएगा। सो हमें कहाँ जाने का है रे। अरे यार इलेक्ट्रिकल केबल ऑन करता हूँ मैं सबसे पहले तो इस जगह की। वेयर इज़ माई थिंग, हेयर इज़ माई थिंग। मैं जाऊंगा इसको लेकर ही जाऊंगा नीचे, ऐसे तो मैं जाऊंगा नहीं खाली हाथ। अबे ड्रॉअर बंद हो गया, हाँ अब ये बुढ़िया यहाँ भगती होएगी ना, इसका वेट करते हैं। यहाँ पे आ जाओ, पक्का यहाँ खड़ी होगी, आवाज़ तो आ रही है मेरे को इसके चलने की। हेलो नानी, आप यहाँ पर हो, मोड़ के परे से ना आ रही हो। अबे देखा मैंने क्या बोला था, मोड़ के परे से ना आ रही हो, एकदम से आती है साली। मेरे 2 दिन गए, कैसे हो गए ये लेवल पार ये तो खप्पी होगी यार। मेरे साथ 99% टाइम यही होता है, जब भी ये आ रही होती है ना ये मेरे को हमेशा उसी जगह पर पकड़ती है, उससे आ रहे ना परे कहीं नहीं वहीं पकड़ती है। वेट करते हैं इसका। बुढ़िया, ए रे बुढ़िया, अभी यहाँ से ना आ रही हो ये, एक साइड है मेरे पास, सबसे पहले स्विच ऑन कर देते हैं ना, पहले हम लोग सेफ रहेंगे। अबे 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 इसने मेरे को देखा नहीं, हाँ इसने मेरे को देख लिया, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, दिस मीन्स बुढ़िया ने मेरे को देख लिया है। यहाँ से ना आई हो रास्ता काट के ना कुत्तों को खिलाऊंगा, समझी। ये है मेरी की, चले भाई हम लोग बैकयार्ड में जाएंगे हम लोग, ठीक है। मैंने देखी थी उस मीटर इस साइड से, दरवाजे बंद हो जा। और अब मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ देखी थी, इस साइड कहीं देखी थी मैंने, हाँ वो रही। ओ भाई हाँ ये फट्टा खुला हुआ ना यहाँ पे, ये है सिमेट्री भाई साहब। अबे अब ये क्या चीज़ है, दीज स्टैचूज रिप्रेजेंट द टाइम। ओके ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम का क्या मतलब है, 5205। क्या यहाँ पे कोई रूम नंबर है, क्या है, एंड व्हाट इज दिस, इस ग्रेव के ऊपर क्या है। ओके ये कॉम्बिनेशन है ना, मैंने उस क्लासरूम्स के अंदर भी देखा था एक जगह पर, हमें उस टेबल के पास वो कुछ कॉम्बिनेशन लगाना होता है। सो बेसिकली इनमें से एक कॉम्बिनेशन लगेगा, बट वो कौन सा होगा मुझे कुछ पता ही नहीं है। Now what is it? This door is locked. It is necessary to place 3 special stones in their corresponding slots. Okay. एक चांद चाहिए, एक तारा चाहिए और एक पूरा चांद चाहिए. Okay.
तू भाई यहीं रह, ठीक है, हम लोग चलते हैं इस साइड से। ओके, सो बेसिकली ये टाइम है, ये हमें कोड दे रखा है यहाँ पे, पक्की बात है 205। अबे अरे 205 कौन सा टाइम होता है? ओके, घड़ी तो मैंने देखी है इसके यहाँ पे, मैंने घड़ी कहाँ देखी है? उस पिंक रूम के पास मैंने घड़ी देखी है। बढ़िया, हाँ कहीं ना कहीं से आ रही है। अरे भाई साहब यहाँ से आ रही थी चल के, इसकी तो मैं ऐसी बैंड बजाऊंगा ना इस बढ़िया की मैं कज़न से। 205 का क्या मतलब है? डोर, दिस डोर ओनली ओपन्स व्हेन यू सेट अ सर्टेन टाइम। टाइम का मतलब हो गया है, ओ भाई ये जो है 205 कैसे होगा? बटन दबा के होगा? द इंट्रोड्यूस कोड इज नॉट करेक्ट। ओके टाइम देखो, 20 का मतलब होता है 8। ओके 20 का मतलब 8 होता है ना, 7 8 8 बज के। अबे नहीं 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 ओह माय गॉड, ये इस साइड से आ रही थी, अभी इस साइड कैसे आई ये यार? ये तो मेरे मिशन में गन पारी, मेरे को घोस्ट मोड में खेलनी चाहिए गेम कसम से, मेरे को घोस्ट मोड में ही खेलनी चाहिए गेम। 205 का मतलब होता है 8:05। सेट हो गया था टाइम, थोड़ा सा रह गया था। ये बुढ़िया उस दरवाजे को खोल के आई, मैं नीचे से आया, ये दरवाजे को खोल के आई। अरे आयो नहीं अब, ठीक है 20:05। अबे 20:05 क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे तो बुरे हाल है। बड़ी सुई होती है 5 की, नीचे वाली होती है उसकी। ओके मैं तो उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है 8 पे लेके चलते हैं इसको। 8:05, बटन नॉट करेक्ट, व्हाट द हेल, 7 8। अरे यार 20:05 का मतलब होता है 8:05, तो कैसे होगा? 8:05 नहीं है क्या टाइम? देखो यार 8:05 टाइम है। अरे घसीट के आ रही है, उफ भाई साहब, बढ़िया आजा तेरे, तो मैं दरवाजा मुंह में बंद कर दूंगा मैं तेरे, समझी? यार इस कोड ने मेरा दिमाग खराब कर लिया है। अरे वाह 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 वाह, अरे 5:20 भी तो हो सकता है, मैं क्या कर रहा हूँ यार, है ना, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। 20:05 20:05 गिन रहा हूँ मैं फालतू में ही, 5:20 भी तो हो सकता है टाइम। हाँ जी वहाँ जाइए प्लीज़, हमने वहाँ शोर किया है ना, 5:20 होता टाइम, 20:05 नहीं होता है, फालतू में यहाँ पे हीरो बन रहा हूँ मैं। और वो जो कोड है ना भाई साहब, वो कोड यहाँ लगेगा, यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ मैं। पैडलॉक मेरे हिसाब से चली गई है वहाँ पे, मैंने शोर किया था अभी बॉल के साथ, तो 5:20। ओके अगेन, ओके ऊपर वाले को लेके चलेंगे, 20 पे आ गई है, अब इसको 5 पे लेके जाएंगे, 3 4 5 परफेक्ट। 5:20 क्या है ये? ओ मून वाला मिल गया ना, आधा चांद मिल गया, क्या बात है। आजा 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 बुढ़िया, ओप बंद ही नहीं हुआ दरवाजा मेरे से। हाँ इसको यहाँ से आने दूंगा मैं, आजा घसीट के आजा तू, मैं निकलता हूँ, बाय बाय। मुझे नहीं पता है मेरे पीछे अभी भी आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन जो भी हो मेरे को एक चांद तो मिल चुका है, एक मुझे चाहिए तारा, एक चाहिए मेरे को पूरा चांद। हाँ अब मैं समझ गया मुझे क्या करना है, मैं समझ गया इस गेम के अंदर मुझे करना क्या है। हाँ ठीक है, अब देखो तुम लोग ना, एक मेरे को मिलेगा इसको लगा के, इस कोड को सही लगा के वहाँ पे मुझे एक मिल जाएगा, और एक मुझे मिलेगा पता नहीं क्या करके यार। ओह फंस गया, फंस मत फंस मत, बढ़िया आइए आइए, आई नहीं, अच्छा यहाँ पे एंटर नहीं कर सकती क्या ये? मेरे को ऐसा फील हो रहा है अंदर आ नहीं सकती ये, बेसिकली कुछ ना कुछ राज है इस जगह का भाई, तभी अंदर नहीं आ सकती यहाँ से। सबसे पहले यार मैं अपने रूम को छान मारना चाहता हूँ एक बार, यहाँ पर कुछ अगर मेरे को मिल सकता है, नहीं यहाँ तो मेरे को फालतू की चीज़ मिलती, गुड़िया गुड़िया पता नहीं क्या चली हुई है भाई, यहाँ देखते हैं। हेलो हाँ जी, ओ भाई व्हाट इज दिस, शोवल शोवल, शोवल का मतलब होता है वो खोदने के लिए, जी हाँ हम लोग कब्रें खोदेंगे तो इस गेम के अंदर हम लोग कब्रें खोदने वाले हैं, बहुत बढ़िया, ये होता है अपडेट। आजा आजा बढ़िया, देखो मैं फिर से यहीं घुमा के लेके जाऊँगा, मेरे को टाइम मिल जाएगा ना ये मेरे पीछे आएगी तो। हाँ अभी यहाँ से घसीटे मार के आएगी, मैं निकल जाऊँगा ओ भाई इतना तेज़ घसीटे मार के आती है ये। हाँ एक बार मैं उस मिट्टी के अंदर चला जाऊँगा तो मेरे पीछे आ नहीं सकती है, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा मेरे लिए फिर यार।
सो बेसिकली हमको ये खोदनी है सारी की सारी एक एक करके। हाँ हम लोग खोद सकते हैं ना। हाँ अबे भाई साहब डिग करके। टॉम्ब वॉर इज दिस, हमें मिल चुका है पूरा चांद, अर्थ स्टोन। देखा मैंने क्या बोला था, फर्स्ट टाइम पे ही मिल गया मेरे को। और अगर मेरे को ये फर्स्ट टाइम पर ही मिल गया है सो एक सेकेंड, मुझे इस शॉवल की हेल्प से बाकी की खोदने दो एक बार, बिकॉज अगर मैं बाकी की खोदूंगा तो क्या पता हमें वहाँ भी मिल जाए, वहाँ भी मिल जाए। नहीं मिलेगा। वॉर इज दिस सिस्टर, पता नहीं क्या लिखा है, एंडा लिखा है, एल्सा लिखा है, क्या लिखा है पता नहीं। भाई इसने बहुत लोगों को मारा है यहाँ पे, बहुत ईविल है कसम से, इविल नन। ओ भाई साहब जिंदे गाड़ रखे हैं यहाँ पे, जिंदे तो नहीं गाड़े होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन ओ माय गॉड सिस्टर मेडेलिन। ओके इसने बहुत लोगों को मारा है, मेरे को वो यहाँ मिला था। सो बेसिकली ये है ट्रायंगल ई ई, पहला ट्रायंगल है, दो है ई ई। ओके चलते हैं। हाँ जी माता जी, इधर मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रहे हो आप, इधर ही किधर मुझे पता है। ट्रायंगल ई ई, ओके ट्रायंगल ई ई। यार बहुत चोर हो रहा है, पक्का आ जाएगी यहाँ पे। ट्रायंगल हाँ ई ई, अब खुल जा। ये तो नहीं खुला, इसका मतलब है कि ये गलत है। ओके ड्रॉअर खुलेगा ना, इट्स ब्लॉक्ड, गलत है ब्रो। हमें वो वाला कोड नहीं चाहिए, हमें कोई और कोड चाहिए, कोई और कोड। अब कौन सी वाली कब्र से हम लोग कोड निकाल सकते हैं? ओके वेट, यहाँ पर कोई ना कोई कोड होना चाहिए, यहाँ पर कोई ना कोई क्लू होना चाहिए ना। ओके व्हाट इज दिस, ये है सिस्टर अल्फोंसो वाला, सिस्टर अल्फोंसो का काम नहीं यहाँ पे, हमें चाहिए किसी और सिस्टर का। ओके हाँ यहाँ पे एसएम लिखा होता, एसएम मैंने पिछली बार जब गेम खेली थी ना यहाँ पे एसएम लिखा होता। अरे 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 कहीं ना कहीं से आ रही है, कहीं ना कहीं से आ रही है मेरे पीछे, ये पक्की बात है। या फिर हाँ देखो मेरे पीछे दिए, बुढ़िया कहीं की शोर भी नहीं हो रहा है घर के अंदर, अजीब सी बात है। एस एम मेडेलिन, मेरे को अभी वो मेडेलिन दिखी थी ना, सिस्टर मेडेलिन। ओके उसके पास चलते हैं। ओके वेयर इज सिस्टर मेडेलिन, ये है, वेट सिस्टर मेड एसएम यही है। ओके ट्रायंगल है और शिव जी का वो मारने वाला है ना, और एक टी है, ठीक है। ट्रायंगल धनुष, धनुष नहीं क्या बोलते इसको। ओके ठीक है मेरे को कोड याद है, पहले ट्रायंगल है फिर वो है फिर टी है। हाँ बढ़िया जी, अंदर तो आ नहीं सकते आप है ना, हाँ बेचारी, आ जा आइए 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 ना। हाँ जी बहन जी, तो ट्रायंगल लगा हुआ है, ये है तीसरा टी है, टी ये है, अब तो खुल जाएगा प्लीज। अबे यार सिस्टर अल्फांसो व्हाट द हेल इज दिस, हमें सिस्टर अल्फांसो का चाहिए क्या? हमें चाहिए सिस्टर अल्फांसो अल्फांसिस, उसका चाहिए हमें, ठीक है चलते हैं एक बार। पता नहीं क्या सीन है अब सिस्टर, मेरी शोवल ये है, ये तो नहीं सिस्टर अल्फांसो, ये तो नहीं है ना, ये भी नहीं है। अबे यार ये क्या 69 पोजीशन पे गिराया है इसने, खप्पी बहुत है। ये है हमारी सिस्टर क्लेयर, नो नहीं, ओहो दो बच्चे बेचारे, नहीं पता नहीं कहाँ है। ये है मदर पीआई, ओ भाई साहब मुझे नहीं मिल रहा है सिस्टर अल्फांसो, अल्फांसो क्या नाम है, अजीब से नाम, एक तो इनके नाम ही समझ नहीं आते मेरे को तो। ये रही, यस यस यही है यही है यही है, पक्की बात है। ओके ये है हमारा ई, और इसको मैं नाम भूल गया मैं इनके यार कसम से, इसको हम शायद से बोलते हैं ओम ई। अच्छा ये तो हो गया आपका सबमिशन वाला ना, सबमिशन ओम एंड ट्राइंगल, सबमिशन ओम एंड ट्राइंगल। ओके सबमिशन ओम ट्राइंगल प्लीज़ इस बार लग जाइयो, सबमिशन ओम ट्राइंगल। स
submission. Om. Triangle. हाँ खुल गया। और आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा समीशन ट्राइंगल क्या बकवास कर रहा हूँ मैं, ओम क्या बोल रहा हूँ भाई साहब, ये एक्चुअली साइंस की टर्म्स है कुछ, यू नो SI यूनिट्स वगैरह की। ओम SI यूनिट होती है, मैं भूल गया किसकी, फिजिक्स की चीज़ होती है भाई ये, है ना, मैंने पढ़ी हुई है प्लस वन प्लस टू में। सो बेसिकली मेरे को ऐसे करके पता है। तो आप में से अगर कई लोग प्लस वन प्लस टू में नहीं है तो आपको नहीं पता होगी, अगर आप हैं तो आपको ज़रूर पता होगी, दिस इज़ माई गारंटी। ओके सो ये लगा हमारा चांद, जी हाँ दरवाजा खुलेगा और ये है हमारा सेफ बॉक्स, हमारी सेफ की यहाँ पर है। सो बेसिकली हम लोगों ने पार कर दिया मिस्ट्री ऑफ सिमेट्री को, जी हाँ पक भाई, इसके अंदर कोई चाबी ना मिले यार मेरे को, मेरा मास्क पीस मिल जाए, मिल गया, थैंक यू, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए, पार हो गया, जी हाँ। और ये क्या चीज़ है, अजीब नहीं लग रहा, देखो यार इनको एक बार, नंगे पुंगे खड़े फालतू में झाड़ झूड़ लटका के। सो अब मैं चाहता हूँ बिल्कुल शांति के साथ मैं अपने इस मास्क पीस को लेके जाऊँ और इसको मैं सही जगह पे लगाऊँ और ये इवन नन गन पाने ना आए प्लीज़। जी हाँ हमारी मिस्ट्री सॉल्व, स्मिटर की मिस्ट्री सॉल्व, 5 मास्क पीस आ चुके हैं और अचीवमेंट कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से हमारा एक और ट्रेल उड़ के जाएगा एक और बार और स्कूल में गायब हो जाएगा फिर से। और हमारा लास्ट मास्क पीस बचा है तो भाई मैं इस लास्ट मास्क पीस को ढूंढने के लिए बहुत जल्द आने वाला हूँ ताकि हम लोग उस लास्ट वाले मिशन को पार कर सके। भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हालांकि मुझे पहले ही पता उसके अंदर हमें बलून से एस्केप करना है लेकिन भाई मुझे ये नहीं पता कि कैसे करना है, ठीक है, तो वो तो एक टोटली मिस्ट्री है मेरे लिए। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है, लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को और मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी ही धांसू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम गाइस, बाय बाय।